अस्मा किचन में खुश आमदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको करेले सेव करने का तरीका सिखाऊंगी। करेले इस तरह सेव करने हैं कि जिस तरह बेमौसमी करेले होते हैं और हम ले लेते हैं उसको और लेके काट के इसको हम रखेंगे, इसको 6 महीने के लिए मैं रखूंगी, करेले ख़राब नहीं होंगे। वो आप ध्यान से देखें कि मैंने क्या किया है। देसी करेले ले लिए थे मैंने 1 kg के करीब। अब जब आपका दिल चाहता है तो आप अपने मेहमानों को सर्व करें। बाद लोग फरमाइश करते हैं, बाहर की फैमिली आई भी होती हैं तो उनकी भी फरमाइश होती है कि करेले खाने, या कोई और जो होता है इंसान खाने का दिल करता है तो हम फौरी अपना निकालें और अपनी डिश बना सकते हैं। 1 kg के करीब करेले लिए थे मैंने। इस तरीके से करेले काट लिए, मगर मैंने ये 4 करेले रखे हुए, इसको मैंने बताना था आपको कि किस तरीके से मैंने काटे। देसी करेले लिए ये मैंने, ये हमने इस तरह पकड़ के इस तरह मैंने छिलके उतार के करेले काटे। करेलों को हम बिस्मिल्लाह, ये देखिए इस तरह करके, इस तरह मैं बारीक बारीक करेलों को इस तरह काट लूँगी। बारीक काटने, और आप चाहें तो इसको गोल भी काट सकते हैं। मैं इस तरह काट रही हूँ, देसी हैं, छोटे छोटे हैं करेले, तो इस तरह मैं काट के इसको मैं आप बताऊँगी किस तरीके से सेव करके रखना है हमने इसको, और ये आप 6 महीने तक भी खा सकती हैं। इसके हम बीज भी नहीं ज़ाया करेंगे, बीज भी इसी के अंदर ही मैं शामिल कर रही हूँ, इसी के अंदर मैंने डालने और इसको बारीक बारीक हमने काटना है। करेले हमने ले लिए और हम ऑयल लेंगे, करेले लेंगे और 2 teaspoon मैंने नमक का लिया है। नमक सारा ये करेलों के अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करके बिस्मिल्लाह इसको 10 मिनट के लिए रखूंगी ताकि करेलों के जितना भी पानी है इसका वो सारा ट्रे में आ जाएगा। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसको मैंने क्या करना है। करेलों को 10 से 15 मिनट हो गए और ये देखें नमक डालने से करेलों का ये सारा पानी इसमें आ गया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से धोना है। करेलों को हम अच्छे तरीके से धोएंगे, पहले अच्छे तरीके से धोएंगे ताकि नमक अच्छे तरीके से निकल जाए और इसकी जो कड़वाहट है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए। कड़वाहट दूर करने के लिए भी मैं एक आपको टिप दूंगी, वो भी आपने इसमें डालना है। और इसके बाद आप इसको बनाएंगे करेलों को तो आप 4 से 5 महीने तक रख के, 6 महीने तक रख के खा सकते हैं आराम से। और बिल्कुल जैसे ही आप बनाएंगे ऐसे लगेगा कि आप फ्रेश बना रहे हैं। पहले करेलों को हमने अच्छे तरीके से धोया, उसके बाद मैंने एक कपड़े की मदद से इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया, बिल्कुल इसको खुश कर लिया, निचड़ गए ये करेले अच्छे तरीके से। अब हम एक कढ़ाई में शामिल करेंगे। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसके अंदर ये देखें करेले मसाले शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बिल्कुल खुश्क हैं करेले। और अब इसमें जो मैंने एक टिप बताना है आपको, एक मैंने लेमन लिया है, ये लेमन जूस मैं इसमें शामिल करूँगी। हम एक लेमन जूस पूरा इसमें हमने शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से खुश करेंगे, तो अच्छे तरीके से पहले खुश करेंगे जो हमने लेमन शामिल किया है वो, हम इसको अच्छे तरीके से खुश करेंगे, सारा लेमन करेलों में लग जाए। 1 अदद लेमन 1 किलो करेलों के अंदर मैंने शामिल किया है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी और मेरे टिप अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। अब इसमें मैं 1 कप ऑयल का शामिल करूँगी। ये 1 कप हमने ऑयल का शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से पहले फ्राई करेंगे, फिर मैं इसमें 1/2 कप और शामिल करूँगी। अभी मैंने 1/2 कप शामिल किया है, 1/2 कप मैं बाद में शामिल करूँगी। 1/2 कप मैंने पहले शामिल किया था, 1/2 कप मैं अब दोबारा शामिल करूंगी। बस ये 1 कप ऑयल का हो गया है, ये देखिए। ये देखिए करेलों का कलर कितना नाइस सा आ रहा है। अभी हमने इसको और क्रिस्पी बनाना है, फिर हम इसको उतारेंगे। देखिए करेले हमारे कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं।
अब मैं इसको निकाल के अच्छे तरीके से, ऑयल नहीं आना चाहिए करेलों में, बिल्कुल खुश्क हो जाए। करेले देखें कितने अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गए हैं। मैंने इसको एक ट्रे में निकाल लिया है। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद एक जार के अंदर डाल के इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। जब हमने इस्तेमाल करने होंगे, गोश्त में डालने होंगे या हमें फ्राई करके बनाने होंगे, दाल के अंदर बनाने होंगे, तो हम इसको निकालेंगे और फौरी तौर पर डाल देंगे। रेडी होंगे हमारे करेले, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, ऐसे लगेगा जैसे आपने नए खरीदे हैं और इसी वक्त आपने बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।